नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता आप सभी का अपने चैनल रेड सिग्नल फिल्म में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, क्या आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में मैं आप सभी को कोई सेलिब्रिटी, किसी न किसी बॉलीवुड के ऐसे शख्स जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी से जुड़े रहे हैं, जो कि हमेशा विवादों से घिरे रहे हैं, वैसे लोगों के बारे में मैं बताता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे अभिनेत्री के बारे में बताऊंगा जिसे लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में बॉबी गर्ल के नाम से जानते थे। हाँ दोस्तों, बॉबी गर्ल नाम सुन के शायद आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे या फिर कुछ जानने का प्रयास कर रहे होंगे। हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही सही है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बॉबी गर्ल डिंपल कपाड़िया की। दोस्तों, ये प्रोग्राम जिसका नाम है क्या आप जानते हैं, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने मित्र, परम मित्र जो हर वक्त मेरे साथ होते हैं और जब मैं शूट करता हूँ उस समय भी वो मेरे साथ होते हैं, उनसे मिलवाना चाहता हूँ, जिनका नाम है सागर गुप्ता। सागर जी, थोड़ा सा आइए। दोस्तों, ये है हमारे दोस्त सागर गुप्ता जी, जो कि हर वक्त मेरे साथ होते हैं और हमारे क्रू मेंबर में भी ये शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये है सागर गुप्ता जी, जिनसे परिचय मैंने आपको करवा दिया। और अब चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम क्या आप जानते हैं की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक फिल्म आई थी, मेरा नाम जोकर। तर्कश। हाँ बाबू, ये सर्कश है। इस फिल्म को बनाया था राज कपूर साहब ने, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों, मेरा नाम जोकर जब फिल्म बन के आई तो दर्शकों ने उस फिल्म को एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों, जब ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई तो राज कपूर बुरी तरीके से कर्ज में डूब गए। दोस्तों, जब राज कपूर कर्ज में डूब गए तो उन्हें एक ऐसे फिल्म की आवश्यकता थी जो उन्हें कर्ज से उबार सके। तब उन्होंने एक प्लान बनाया, एक फिल्म बनाने की जो सुपर डुपर हिट हो। तब उन्होंने बॉबी फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार किया, उसे निर्माण करने के लिए उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हो रहा था कि फिल्म की कहानी तीन एजरों की थी, जो कि कम उम्र के थे। उस फिल्म में हीरो भी कम उम्र का था और हीरोइन भी कम उम्र की थी। राज कपूर ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, जो था हीरो का सिलेक्शन करना। उनके पुत्र, उनके बेटे ऋषि कपूर इस रोल के लिए परफेक्ट बैठ रहे थे। तब राज कपूर के पास दूसरा प्रॉब्लम आया, एक ऐसे हीरोइन को खोजना जो बहुत ही कम उम्र की हो और एक्टिंग अच्छा करे। दोस्तों, मैं बता दूं कि राज कपूर के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था चुन्नी लाल कपाड़िया, जो कि एक अच्छे उद्योगपति थे। चुन्नी लाल कपाड़िया और राज कपूर एक दूसरे से हमेशा मिला करते थे और राज कपूर भी चुन्नीलाल के घर हमेशा आया जाया करते थे। तब अचानक राज कपूर जी की नज़र चुन्नीलाल की बेटी यानी डिंपल कपाड़िया पर पड़ी, जो कि उस समय मात्र 14 वर्ष की ही थी। राज कपूर ने अपने फिल्म के प्लान को यानी फिल्म बॉबी के प्लान को चुन्नीलाल कपाड़िया से शेयर किया। जब राज कपूर ने चुन्नीलाल के यहाँ उनकी बेटी डिंपल को देखा
तो उन्होंने यह फैसला कर लिया कि उनकी फिल्म बॉबी में डिंपल कपाड़िया ही हीरोइन होगी। और फिर डिंपल कपाड़िया को बुलाया गया एक ऑडिशन के लिए, और जब डिंपल कपाड़िया ऑडिशन के लिए गई तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि डिंपल कपाड़िया नहीं है, और उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया जैसे लग रहा था कि वो पहले से काफी फिल्में कर चुकी हैं। फिल्म बॉबी बनकर तैयार हो गई, और फिल्म बॉबी के रिलीज से मात्र 8 महीना पहले उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली। ये बचपना नहीं है डैडी, ये प्यार है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि डिंपल कपाड़िया ने यह पहली गलती की कि अपने से दुगने उम्र के मर्द से उन्होंने शादी की। उस समय डिंपल कपाड़िया मात्र 16 वर्ष की थी। डिंपल कपाड़िया से शादी करने के पहले उस समय के सुपर मॉडल अंजू महेंद्रू के साथ लिव एंड रिलेशनशिप में रहा करते थे। जब उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी की तो अंजू महेंद्रू को रातों रात घर से बाहर जाने के लिए उन्होंने कह दिया। खत्म हो गई थी उनकी दोस्ती, उनका प्यार। राजेश खन्ना से शादी करने के बाद राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, और फिल्म बॉबी रिलीज होने से पहले डिंपल कपाड़िया ने 3 फिल्मों को साइन किया था जिसमें रोटी, पप और पून जैसी फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों में मुमताज और शर्मिला टैगोर ने काम किया। दोस्तों, इन बातों को लेकर के राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया में आपसी मतभेद शुरू हो गया, और उनके जीवन में आई एक नई पारी। ठीक 11 साल बाद राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया अलग हो गए। वो बॉयफ्रेंड कौन था? इस बीच डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की 2 बेटियां हो चुकी थी, ट्विंकल और रिंकी खन्ना। ट्विंकल और रिंकी खन्ना को लेकर के डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग हो गई। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल कपाड़िया के जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने फिल्मी करियर का शुरुआत फिर से किया, और उस दौरान रमेश सिप्पी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था सागर। डिंपल कपाड़िया उस फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की दूसरी पारी खेल रही थी, और रमेश सिप्पी ने डिंपल के पहले हीरो यानी राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर को इस फिल्म में साइन किया। फिल्म सागर तो नहीं चली, लेकिन डिंपल कपाड़िया का बोल्ड लुक चल पड़ा, और डिंपल कपाड़िया फिर से इस फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। इसी दौरान डिंपल कपाड़िया के जीवन में एक बहुत ही अहम समय आया। वो दौर था 1984 का, जब उस समय के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मंजिल मंजिल, और इस फिल्म के हीरो थे सनी देओल। हाँ दोस्तों, सनी देओल। उस समय जिस समय फिल्म की शूटिंग हो रही थी, सनी देओल और डिंपल कपाड़िया एक दूसरे के नज़दीक आते गए, और डिंपल कपाड़िया सनी देओल के प्यार में गिरफ्त होती गई, और सनी देओल डिंपल कपाड़िया के प्यार में गिरफ्त होते गए। धर्मेंद्र सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के प्यार के खिलाफ थे। छोड़ मेरा हाथ। खबरदार सरजू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन दोनों का रिलेशन इतना गहरा था कि डिंपल कपाड़िया की दोनों बेटियां सनी देओल को छोटे पापा करके बुलाया करते थे। नहीं, आ? नहीं। आ? आ? चूंकि सनी देओल पहले से शादीशुदा थे, इसलिए धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, और 11 साल के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इस दौरान डिंपल और सनी देओल अपने अलग अलग क्षेत्रों में यानी फिल्म इंडस्ट्रीज में ही अलग अलग काम करते रहे। सनी देओल से अलग होने के बाद डिंपल कपाड़िया फिर से राजेश खन्ना के करीब चली गई, और उनके साथ
उनका रिलेशन अच्छा होता गया, लेकिन वो रिलेशन उतना मधुर नहीं था जितना कि शादी के समय था या फिर शादी के बाद था। दोनों एक दूसरे से कंप्रोमाइज के तहत एक दूसरे के साथ रहा करते थे। 80 से 90 के दशक के बीच राजेश खन्ना कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे और राजेश खन्ना को और डिंपल कपाड़िया को एक दूसरे के साथ हमेशा चुनाव के कैंपेन में देखा जाता था। हाँ दोस्तों, डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का बहुत ही साथ दिया चुनाव के समय और राजेश खन्ना कांग्रेस पार्टी से सांसद भी रहे। दोस्तों, इन दोनों के बीच हमेशा वाद विवाद चलता रहा और इसी दौरान राजेश खन्ना इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, अभी भी डिंपल कपाड़िया फिल्म इंडस्ट्रीज में सक्रिय हैं, काम करती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे बॉबी गर्ल की, डिंपल कपाड़िया की। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अगले एपिसोड में कुछ नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपने दोस्त संतोष गुप्ता को आज्ञा दें। नमस्कार।